नमस्ते, आईप्रेपाल कोच ऐप में आपका स्वागत है। यदि आप आईप्रेपाल ऐप के माध्यम से अपने छात्रों को पर्सनलाइज शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको आवश्यक कदम बताएगा। आइए शुरुआत करते हैं लॉगिन करने के साथ। अपने टैबलेट पर आईप्रेपाल कोच आइकन ढूंढें और उस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको लॉगिन स्क्रीन पर लाया जाएगा। यहाँ अपना एम्प्लॉई आईडी, अपनी जन्म तिथि दर्ज करें। लॉगिन पर क्लिक करें। आपने सफलतापूर्वक आईप्रेपाल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। होम पेज पर अपना बैच सेटअप करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बैच का नाम दर्ज करें, भाषा चुनें, ग्रेड या कक्षा चुनें और अंत में विषय चुनें। अब बैच बनाए बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि एक बार बैच बन जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए अंत में सबमिट पर क्लिक करने से पहले अपनी दर्ज की गई डिटेल्स को ध्यान से जांच लें। आईप्रेपाल ऐप का उपयोग करने वाले छात्र आपके एम्प्लॉई आईडी और उन स्वयं के SRN नंबर के आधार पर ऑटोमेटिकली आपके बैच में शामिल हो जाएंगे। अन्य छात्र जो ऑटोमेटिकली नहीं जोड़े गए हैं, आप उन्हें बैच का जॉइनिंग कोड प्रदान कर सकते हैं। बैच के अंदर आपको दो अनुभाग मिलेंगे, छात्र और असाइंड। अब आप कंटेंट असाइन करके अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। शुरू करने के लिए असाइन टैब के भीतर कंटेंट असाइन करें पर क्लिक करें और फिर असाइन मोड में आईप्रेपाल लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए विषय का चयन करें। उस अध्याय का चयन करें जिसमें से आप कंटेंट असाइन करना चाहते हैं और फिर मनचाही वीडियो, परीक्षण और किताबें चुनें। असाइन करें पर क्लिक करें। अब असाइनमेंट के लिए अंतिम तिथि और समय निर्धारित करें और छात्रों का चयन करें। सभी को चुनिए बटन पर क्लिक करके सभी छात्रों को एक साथ सिलेक्ट किया जा सकता है। अब असाइन पर क्लिक करें। अब एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। यहाँ अपने असाइनमेंट का विवरण जांचें और फिर असाइनमेंट का नाम दर्ज करें। यह हो जाने के बाद असाइन पर क्लिक करें। आप अपने छात्रों की प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं। आपके बैच के भीतर प्रत्येक छात्र के नाम के नीचे आपको रिपोर्ट देखें बटन मिलेगा। व्यक्तिगत छात्र प्रगति रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए उस पर क्लिक करें, जिसमें शामिल है सीखने पर बिताए गए कुल समय, सीखने में बिताए गए कुल दिन, विषयवार सीखने पर बिताया गया कुल समय, श्रेणीवार उपयोग जैसे देखे गए वीडियो, अंतिम अध्याय परीक्षण के प्रयास, डायग्नोस्टिक परीक्षण के प्रयास आदि। आप ऐप के मैसेजिंग फीचर के जरिए छात्रों से जुड़े भी रह सकते हैं। बैच के भीतर प्रत्येक छात्र के नाम के नीचे आपको मैसेज बटन मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए इस पर क्लिक करें। आप आईप्रेप लाइब्रेरी पर क्लिक करके अपने छात्रों के लिए उपलब्ध कंटेंट देख सकते हैं। विषयों, वीडियो, परीक्षणों, डायग्नोस्टिक और पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इससे आपको पाठ योजना और असाइनमेंट बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।